तो आज की क्लास में हम बात करते हैं आपके साथ पावर बीआई में डैक्स फॉर्मूले की, डैक्स फॉर्मूला, राइट। डैक्स फॉर्मूले में कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम आपके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए कॉन्केट फॉर्मूला है, कंबाइंड वैल्यू एंड आपकी कॉन्केट एक्स है, राइट। सबसे पहले हम कंबाइंड वैल्यू के बारे में देखते हैं क्या है कंबाइंड वैल्यू। कंबाइंड वैल्यू में क्या होता है कि जो हमारा डेटा है उसकी वैल्यू को कंबाइन करता है, ठीक है। यहां पे देखिए टेबल कॉलम कंबाइंड वैल्यू कॉमा टेबल वन एंड टेबल टू, कॉलम वन कॉलम टू। लेकिन ये जो फॉर्मूले है ये फॉर्मूले हमें न्यू टेबल पे वर्क कर सकते हैं या फिर वर्क कर सकते हैं इस पे एक मेजर्स पे, एक्सेल में नहीं कर सकता। जैसे यहां पे मैंने यहां पे वैल्यू कर देता हूं डीएल और यहां पे मैं करता हूं कंबाइन, स्पेलिंग भूल गया मैं, सीओ एम बी नहीं, कंबाइन आपका टेबल पे वर्क नहीं करता है। देखो टेबल पे वर्क करता है तो आपको आ जाता, इसी में करता हूं। यहां पे न्यू कॉलम, तो जो टेबल में फॉर्मूला वर्क होता है सर वो आपका इससे भी हो जाता है। तो यहां पे हमने कंबाइंड वैल्यू लिया, कंबाइंड वैल्यू, और कंबाइंड वैल्यू में हमने बोला डिलिमिटर क्या है, टेक्स्ट, ये है कॉमा, और हमने बोला कि क्वांटिटी कॉमा, और हमने यहां पे नेम दे दिया, ठीक है, और यहां पे हमने एंटर मारा। आप देख पा रहे हैं? तो यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे आपने देखा कि जो एक फील्ड है दूसरे फील्ड के साथ इमर्ज हो गया। बट यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं ना, कि यहां पे सिर्फ एक, मतलब कि एक ही सेल वैल्यू आ रही है, एक ही रो की वैल्यू आ रही है। तो जैसे कल भी मैं आपको समझाया था कि यहां कॉलम कैलकुलेशन में वो फॉर्मूला यूज होता है जो सिर्फ एक सेल को ही, एक रो का ही रिजल्ट देता है। कंबाइन करके पूरी रो का रिजल्ट देने पे गड़बड़ हो जाता है, जैसे मैं आपको सम का फॉर्मूला समझाया था। उसी में अगर हम बात करें अगला फॉर्मूला कंबाइन वैल्यू के बाद, अगला फॉर्मूला कंबाइन वैल्यू समझ में आ गया आपको? जी आ गया। कंबाइन वैल्यू के बाद जो अगला फॉर्मूला होता है वो होता है कॉन्केटेनेट। तो कॉन्केटेनेट फॉर्मूला भी सेम इसी तरह से वर्क करता है, ठीक है। एक सौ कई फॉर्मूला है, अपने हिसाब से दे सकते हो, और डिलिमिटर आपको इसमें लगाना है नहीं लगाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहां पे कॉन्केटेनेट एक्स आया। अब एक कॉन्केटेनेट फॉर्मूला टेबल एक है मेजर्स फॉर्मूले। मेजर्स फॉर्मूले क्यों है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना सर एक, मतलब एक से एक रो का नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं कोई इसका सिर्फ इसका कैलकुलेट करके आपको देगा। अगर मान लीजिए इसी में मैंने लगा दिया कॉन्केटेनेट एक्स, तो क्या होगा, ये आपका पूरे का पूरा एक रो को करेगा। मैं यहां पर दिखाता हूं, तो इसके लिए मैंने शीट वन यहां पे सिलेक्ट किया, टेबल यहां पे एक्सप्रेशन, हमने एक्सप्रेशन में बोला कि हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए सिटी का, सिटी डिलिमिटेड क्या है कॉमा। अब देखिए क्या होगा, ये पूरे के पूरे सिटी को यहां मर्ज कर दिया, दिख रहा है सर? इसके अंदर सारा मुझे जितना है ना पूरा कॉलन है, पूरा कॉलन है। ये चीज यहां नहीं होगी, ये चीज कहां होगी, ये चीजें होगी आपकी किस पे, डेटा पे होगी। अब कहां पे होगी डेटा, किस तरह के डेटा पे होगी, चलिए हम आपको बताते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूं, तो मुझे सबसे पहले जो हमारे जितने भी नाम है ना सर, इस नाम को एक अलग सीट पे चाहिए, तो मैंने यहां एक अलग टेबल पे चाहिए, तो हमने यहां पे टेबल टूल्स में न्यू टेबल पे क्लिक किया, और न्यू टेबल पे आने के बाद मैंने यहां पे लिख दिया नेम। और एक ऑल फॉर्मूला होता है जो कि किसी भी कॉलम का यूनिक वैल्यू देता है, मतलब कि हेडकाउंट देता है, नेम दे दिया। अब मेरे डेटा में सीट वन के डेटा में क्या है कि बहुत सारे नेम है, और नेम कई बार रिपीटेड है, पूजा 10 बार रिपीटेड है, पर यहां पे पूजा को सिर्फ एक बार आएगा, नौ को स्किप कर देगा, राइट। आया? अब मुझे इसके सामने जो है क्वांटिटी लेके आना है, क्वांटिटी लेके आना है, क्या लेके आना है, क्वांटिटी लेके।
तो इसके लिए अब क्वांटिटी में मुझे यहां पे ए नहीं करना है, मतलब कि ए नहीं दिखाना है कि पूजा का टोटल कितना है, मुझे यहां दिखाना कि पूजा क्या क्या वैल्यू क्या क्या है कॉमन रहता। जैसे पूजा 5 बार है, पहला 50 है, दूसरा 40 है, तीसरा 60 है, तो इस तरह से 40, 60, 80 इस तरह से है, राइट? समझ में आया आपको क्या करना है इसे? तो यहां जो कॉलम ऐड करेंगे उसमें जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहां पे हम लिखते थे क्वांटिटी, क्वांटिटी। अब मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला कोलकाता नेट एक्स, इसमें हमने अब इसमें जो सीट दे, अगर मान लीजिए सीट 1 दे दिया, ये तो पूरा दिखा देगा ना, सबका याद दे देगा। एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं, जैसे मैंने यहां पे सीट 1 दिया और सीट 1 के बाद हमने यहां पे बोला क्वांटिटी, UTY quantity and comma हमने बोला कि ए comma के साथ हो, एंटर मारा, अब देख रहा है आपको ये इसी पूजा की नहीं है सर, ये ओवरऑल दिखा रहा है आपको, कॉलम जितना बड़ा होगा उतना दिखा रहा है, ओवरऑल दिखा रहा है, सबका दिखा रहा है। इससे कैसे पता चल रहा है 84 सब में सेम वैल्यू आ रही है ना सर। अब इसने मुझे सिर्फ पूजा को करना है, तो जो यहां सीट 1 हमने दिया, जो डेटा दिया, इस डेटा में मुझे सिर्फ पूजा का डेटा देना है, इसको नीतू का ही डेटा देना है, सब एक टाइप से मतलब कंडीशन के साथ। तो एक चीज आपका होता है फिल्टर फॉर्मूला से, फिल्टर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एक्सेल में फिल्टर फॉर्मूला आप लगाते हैं, जैसे आप पूरा डेटा में आपने आपने मान लिया रवि का किया, तो सिर्फ रवि का डेटा ही निकालेगा पूरा पूरा। तो फिल्टर फॉर्मूला में हमने क्या कर दिया, यहां पे शीट 1 के जगह पे एक फिल्टर फॉर्मूला ऐड करेंगे, फिल्टर शीट 1। अब यहां पे एक्सप्रेशन, तो हमने बोला कि नेम, जो हमारा नेम है यहां पे नेम, अच्छा दोनों का नाम नहीं दे दिया मैंने, हाँ नेम इक्वल टू नेम इज इक्वल टू अगेन नेम, कौन सा नेम, सीट का नेम, राइट सर? अब फिल्टर फॉर्मूला कोलकाता नेट्स को इसके रो के हिसाब से क्या देगा, डेटा देगा, और फिर उसको कमांड करेगा। अब दिख रहा है सर अब रिजल्ट प्रोजेक्ट है, तो कॉन्फिडेंट एक्स एक्स समझ में आ गया आपको, कोई डाउट इसमें? सर लेकिन एक डाउट है, हाँ बोलिए। ये नेम और नेम हम सीट पर डायरेक्ट देते हैं, क्या सीट पर डायरेक्ट, मतलब ये आपने लिखा नेम फिर नेम फिजिकल, नहीं दो अलग, नेम जो है सीट का नाम है सर और उसके नेम भी फील्ड का नाम है, समझ गया ना, ये कंफ्यूजन मत रही है, ठीक है? ये दिख रहा है ना नेम और नीचे नेम, दिख रहा है ना? उधर वो दल गई थी गलती से। तो कॉन्केनेट अब आ गया, एक समझ में आ गया। अब बात करते हैं एग्जैक्ट की, ये एक्सेल के फॉर्मूले है, एग्जैक्ट क्या करता है पता है सर क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए मुझे पूजा को, पूजा मुझे यहां पे बस देखना है कौन कौन पूजा है, राइट? तो न्यू कॉलम में हमने क्या किया, इसमें हमने यहां पे लिख देता हूं पूजा, यहां पे दे दिया, और यहां पे मैंने बोला कि नेम, जो हमारा नेम है वो इक्वल टू पूजा होना चाहिए, ठीक है? तो जहां जहां पूजा वाला टू दे देगा। अब मान लीजिए पूजा का जो पी कैपिटल है मैं इसको स्मॉल कर देता हूं, फिर भी आपका पावर बी आई यहां पे ट्रू देगा, क्योंकि पावर बी आई या एक्सेल केस सेंसिटिव नहीं होता है, वो बड़े छोटे लेटर का फर्क नहीं रखता है। लेकिन मुझे यहां एग्जैक्ट मैच करना है भाई, पूजा का केस सेम होना चाहिए, तो इस लॉजिक इसको हम डाल देंगे एग्जैक्ट फॉर्मूले का, और इक्वल टू को हटा के यहां कर देंगे कॉमा, ठीक है? अब देखिए ट्रू जो है वो कौन सा जाएगा, हो गया, हो गया है। अब यहां पे पी कैप, सॉरी पी कैपिटल कर देता हूं मैं, तो क्या होगा, अब आएगा ट्रू, आ गया। तो एग्जैक्ट मतलब जैसा जो केस लिखा है उस केस में मैच करे, तो इसके लिए हम करते हैं एग्जैक्ट। तो वो क्या होगा, यूजर नेम बगवा को मैच करने के लिए यूज करते हैं, यूजर नेम बगवा में केस सेंसिटिव होता है ना सर, उस केस में इसका यूज किया जाता है,
या कोड वगैरह होते हैं ना कुछ उसमें। उसके बाद फाइल फॉर्मूला पता ही आपको, बताना पड़ेगा, बता दो फिर। देखिए फाइल फॉर्मूला में से मान लीजिए कि मुझे इस, मुझे मान लीजिए कि मुझे इसमें से एक अलग करना है, मतलब कुछ अलग करना है, जिसमें तो टेक्स्ट है ही नहीं। हाँ मान लीजिए नेम है ना आपके शर्मा, तो मुझे इसमें से लास्ट नेम अलग करना है। इसमें क्या है, किसी किसी में लास्ट नेम है, तो मुझे लास्ट नेम अलग करना है। तो लास्ट नेम अलग करने के लिए जो है राइट का फॉर्मूला, यहाँ पे एल नेम कर देता हूं। लास्ट नेम अलग करने के लिए क्या होता है, राइट का फॉर्मूला, राइट आई टी राइट, राइट का फॉर्मूला है। बट प्रॉब्लम है कि राइट में अगर मान लीजिए कि मैं दे देता हूं नेम, तो यहां पर बात होता है नंबर ऑफ करेक्टर, तो कितना करेक्टर हो, और मुझे थोड़ी पता है कि कितना करेक्टर है उसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई लेंथ फॉर्मूला लगाया और लेंथ ले लिया मैंने यहां पे किसकी, नेम की। हमने इसमें से माइनस करो फाइंड, फाइंड को बोला स्पेस, किसके अंदर, नेम के अंदर, कहां से, तो वन से, ठीक है। एंटर कीजिए, ओ एरर आ गया, इसमें कुछ गड़बड़ है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। राइट का फॉर्मूला हुआ लेन, लेन का फॉर्मूला, अच्छा लेन फॉर्मूला यहां क्लोज हो गया, माइनस फाइव स्पेस सी टू वन, वो एरर आ रहा है ना, एरर नहीं नहीं मेरे 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 पूजा सिंह यहां भी एरर आ रहा है। नेक्स्ट यहां पे हमने उमान दे दिया नेम वन, वो सही तो है, अच्छा इसको ब्राइटर में रखें क्या, रखें अब आए फिर बैठ के, नहीं एक पूजा किया शर्मा एक नहीं आना चाहिए, सीट नेम लेन सीट वन फाइंड स्पेस, फाइंड के का फॉर्मूला है, फाइंड फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है ना, एक में देखने लीजिए, एक मिनट लीजिएगा, मैं इस बार जो है ये नाम पूरा आ गया, ठीक है। तो इसमें कई सारे ब्रेक है इसमें, क्या बोल रहे, अब इसमें से मान लीजिए मुझे लेन फॉर्मूला है, लेन फॉर्मूले में से माइनस मान लीजिए मुझे चार करना है, चार करना है, चार, हाँ यही पे प्रॉब्लम है। ये माइनस हम कर रहे हैं सर, यही प्रॉब्लम है, ये हटा देता हूँ। हो तो ये ऐसे भी जाएगा ना सर कि पहले लेंथ लगा लें, मैं पूरी लेंथ देखनी है फिर, हाँ मैं एक साथ लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब यहाँ एक चीज और सीख लीजिए ना, फॉर्मूला कैसे पता चलता है कि कौन कहाँ गड़बड़ है, तो फॉर्मूला को इस तरह से तोड़ते हैं, यहाँ से माइनस फोर कर रहे हैं, अच्छा थ्री करो, एरर आ रहा है, एक बार नीचे देखता हूँ, नहीं थ्री में तो एरर नहीं आना चाहिए ना, हाँ एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में रखते हैं, मैं तो लॉजिक सीख रहा हूँ, आप करो, यह भी आ रहा है। द आर्गुमेंट राइट हैज रॉन्ग टाइप ऑफ द इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू जो हमने माइनस लगाया हुआ है ना, इसमें हम थ्री करते हैं, अब करते हैं थ्री, हाँ तो ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम इसके लिए कॉलम यूज करते हैं, रुक जाइए एक अलग कॉलम है,
अब यहां हम देते हैं स्पेस एसटी, और यहां पे हम देते हैं फॉर्मूला फाइंड, फाइंड स्पेस दिया हमने, बोला सीट इसमें नेम, और हमने बोला कि स्टार्ट करना कहां से, तो वन से। अब यहां पे फाइंड फॉर्मूला हमारा वर्क करेगा नहीं, यहां पे वर्क नहीं किया फाइंड फॉर्मूला, could not, अच्छा could not find, इसमें तो find होना चाहिए था इसको, अच्छा ये जो one दिया हुआ इसको हटा के करते हैं syntax, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ if error लगाता हूँ, if error comma बाद में कर, ये फाइंड फॉलो में थी प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, स्पेस को सीट के नेम में इस्तेमाल करना है, और हमने यहाँ पे दे दिया वन से स्टार्ट पोजीशन, उसके बाद इफ नॉट फाउंड वैल्यू में मैं यहाँ देता हूँ ब्लैंक, cannot convert values of type of text integer. Okay, मैं यहाँ पे space दे देता हूँ आपको, find the text you want to find, double quotation mark. फाइंड फॉर्मूला इतना ही प्रॉब्लम तो दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, जिसमें नहीं है उसमें तो शो करना चाहिए ना, अच्छा मैं एक काम करता हूँ इसको P को फाइंड करता हूँ, मैं P को ही फाइंड नहीं कर रहा, पीछे वाले हटा दो, बंद भी हटा दो, नहीं बंद रहना होगा, अच्छा फाइंड के जगह मैं सर्च यूज करता हूँ, सर्च सर्च फॉर्मूला भी सेम होता है, फाइंड टेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे मुझे ए को फाइंड करना है, तो आता है किसमें, तो हमने बोला शीट नेम में, और स्टार्ट पोजीशन हमने बोला एक से करना है, जीरो से अगर एक से करना है, सर्च भी एड दे रहा है, अच्छा मैं एक बार फाइंड फॉर्मूले को देख लेता हूँ अपने यहाँ से, ठीक है सर, क्या हुआ इसको मैं अपने यहां से देख लेता हूँ, लग रहा है इसका डेटा सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत, बना अच्छा काम करता है तो, आपने यूज किया था इसको कि नहीं, मैंने करा था सर, वर्क हुआ था, वर्क हुआ था मेरी डेटा क्यों, मैंने लॉजिकली नहीं किया जैसे आप करो, क्योंकि मैंने फाइंड पहले तो फाइंड को रखा, फिर उसमें से मैंने राइट को ढूंढा, राइट को ढूंढने के बाद इतना कर दिया मैंने, हाँ राइट में जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको पूजा है, नीतू है, कविता, मोहन, देव, अच्छा देव में नहीं है ना, ओके इसमें ऐसा है कि जो वैल्यू नहीं मिल रहा, मतलब आपको जो वैल्यू डालना है पूरे कॉलम में होना ही चाहिए, ठीक है, ये न्यू कॉलम में ऐड करता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट टी टी करके यहाँ पे कर देता हूँ, ओके ओके कर दिया, अब मान लीजिए मैं न्यू कॉलम लेता हूँ और इसमें ओके फाइंड करता हूँ, समय ओके है, यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला फाइंड में हमने ओके किया और टेक्स्ट हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया इसमें क्या बोलते हैं टी टी,
कॉमा वन। समझ में आया सर? आ गया। ये प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कि आप जो टेक्स्ट ढूंढ रहे हैं वो टेक्स्ट उस कॉलम के हर एक फील्ड में होना चाहिए, हर एक रो में होना चाहिए। किसी भी रो में अगर वो नहीं मिलता है तो रिजल्ट आपका गलत आएगा, एरर आएगा वहां पे। समझे? सुनाएगा फाइंड को? फाइंड और सर्च में प्रॉब्लम यही है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो चीज हर सेल में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने ओके को ढूंढा तो ओके हर में है, दे दिया। लेकिन मैं ए ढूंढ रहा था तो नहीं आया, स्पेस ढूंढ रहा था तो नहीं आया, क्योंकि इसमें नहीं है। आप देख लीजिए ना, देव में ए नहीं है ना, चीके में ए नहीं है, इसलिए इसलिए अगर सारा का सारा नेम होता तो दिखता। ठीक है सर, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्लास आगे पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, ओके।